The Lallan Top Show is sponsored by Khata Book. Business हुआ easy. मैं बाद में दे दूँ। देखिए अब इनका शर्माने का दवा तो कोई है नहीं, लेकिन उधार वापस लाने का फार्मूला है। क्या? कैसे? खाता बुक डाउनलोड करिए, ये उधारी का रिमाइंडर भेजे और उधारी वापस लाए फटाफट। माथुर के पैसे आ गए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। पहले आप देखिए ये वीडियो। ये वीडियो हमने खास न्यूज़ प्रोड्यूसर्स के लिए दिखाया है। न्यूज़ प्रोड्यूसर्स मतलब मेरे पेशे के लोग जो समाचार तैयार करते हैं और उनके लिए तस्वीरें और विजुअल्स निकालते हैं, वीडियो निकालते हैं। जब जब सर्जिकल स्ट्राइक या LOC पर सेना के किसी ऑपरेशन की बात होती है, तब तब ये वीडियो समाचार चैनलों पर दिखाया जाने लगता है। लोग इसे ट्विटर, फेसबुक और जितने सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर भी शेयर करते हैं। देखने पर लगता है कि शेयर करने वाला उस वक्त कैमरा लेकर सीमा पर खड़ा था जब सेना ने ऑपरेशन किया। यही हुआ 19 नवंबर को, यानी कि कल, जब अचानक ये खबर चल पड़ी कि सेना ने नियंत्रण रेखा के पार टेरर लॉन्च पैड्स पर एक बार फिर कार्रवाई की है। ये खबर ट्विटर से TV पे गई और फिर वायरल हो गई। सेना ने लगभग तुरंत इस बात का खंडन कर दिया, लेकिन तब तक ये वीडियो फिर से इंटरनेट पर छा गया था। इस बात का गोदना बना लीजिए कि ये वीडियो सेना के किसी ऑपरेशन का नहीं है, बल्कि Arma 2 नाम के एक वीडियो गेम का है। ऑल्ट न्यूज़ जैसे फैक्ट चेकर्स ने 1.5 साल पहले ही ये बता दिया था कि ये क्लिप एक गेम की है, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं हैं। खास तौर पर न्यूज़ प्रोड्यूसर्स, उनसे हमारा निवेदन है कि फाइल वीडियो निकालें, उस पर लिखें फॉर रिप्रेजेंटेशन या फिर फाइल। कैसे लिखते हैं ये हमारे टीम आपको दिखा रही है स्क्रीन पर। और कम से कम ये वीडियो यूज़ ना करें जब भी सेना के किसी ऑपरेशन का आपको पैकेज काटना हो। अब चलते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। 19 नवंबर को जम्मू कश्मीर के नगरोटा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की। इस मीटिंग में गृहमंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA अजीत डोवाल, विदेश सचिव के साथ सभी खुफिया एजेंसियों के अफसर मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि आतंकी 26/11 की बरसी पर किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। PM नरेंद्र मोदी ने कहा, हमारे सुरक्षा बलों ने एक बार फिर अत्यंत बहादुरी और पेशेवर तरीका प्रदर्शित किया। उनकी सतर्कता के कारण जम्मू कश्मीर में जमीनी स्तर के लोकतांत्रिक प्रयासों को खत्म करने के एक नापाक साजिश को हराया गया है। पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 4 आतंकवादियों का एनकाउंटर और उनके पास से बड़ी मात्रा में हथियारों और विस्फोटकों की मौजूदगी ये संकेत देती है कि साजिश को एक बार फिर विफल कर दिया गया है। दूसरी सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से है। हाथरस जा रहे केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन की जमानत के मामले में UP सरकार ने आज जवाब दाखिल किया। UP सरकार का कहना है कि सिद्दीक कप्पन पत्रकारिता की आड़ में हाथरस जा रहे थे कानून व्यवस्था बिगाड़ने। UP सरकार का कहना है कि कप्पन जिस अखबार के पत्रकार होने की बात कह रहे हैं वो 2018 में ही बंद हो गया था। कप्पन PFI के सचिव हैं और वे पत्रकारिता की आड़ में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए हाथरस जा रहे थे। UP सरकार ने यह भी कहा कि ये पूरी तरह से गलत खबर है कि कप्पन को न तो परिवार के सदस्यों और न ही वकीलों से मिलना दिया जा रहा है। अभियुक्त के किसी भी पारिवारिक सदस्य ने मिलने के लिए आज तक जेल अधिकारियों से संपर्क नहीं किया। किसी वकील ने भी जेल प्रशासन से सिद्दीक कप्पन द्वारा हस्ताक्षरित वकालतनामा के लिए संपर्क नहीं किया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कप्पन के वकील से मिलने पर कोई आपत्ति नहीं है। स्वतंत्र पत्रकार सिद्दीक कप्पन को UP पुलिस ने 5 अक्टूबर को हाथरस जाते समय 3 अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया था। UP पुलिस ने कप्पन और उनके साथियों पर UAPA और राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया है। कप्पन की गिरफ्तारी को केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स ने चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई अगले हफ्ते के लिए टाल दी है। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हो रही रिपोर्टिंग को लेकर भी नाखुशी जाहिर की है। तीसरी सुर्खी मध्य प्रदेश से है, अजीब वजह से बनी है। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया।
चूंकि मध्य प्रदेश में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, इसलिए लोगों को उम्मीद थी कि सीएम साहब कोरोना संक्रमण पर कुछ बोलेंगे। भोपाल में आज एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा 425 केस सामने आए हैं, जबकि इंदौर में भी 300 के करीब केस आए हैं। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर के गुपकर गठबंधन और कांग्रेस पर जमकर निशाना साध लिया। उन्होंने सवालिया अंदाज में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए पूछा कि क्या कांग्रेस के नेता आर्टिकल 370 अनुच्छेद 370 के समाप्त होने का विरोध कर रहे हैं। मैडम सोनिया गांधी, इस बात का लोगों को जवाब दें, आखिर कांग्रेस हमेशा देश विरोधी ताकतों के खिलाफ क्यों खड़ी होती है? क्या कांग्रेस गुपकर अलायंस के साथ है? ये स्पष्ट करें। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।